हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब फिट होंगे और हम भी काफ़ी अच्छे हैं पहले से। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग हटके होने वाली है। आज की वीडियो ना कोई ब्लॉग है और ना ही मैं किसी रेसिपी के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ जो मोस्ट अवेटिंग वीडियो थी, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इससे रिलेटेड कि दी आपकी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई कि नहीं, यूट्यूब अर्निंग होती है कि नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर यूट्यूब से अर्निंग हुई है तो दी कितनी हुई है, क्या है, कब आई, क्या है, तो उससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही है कि दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट आई है कि नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी, जी हाँ, मेरी YouTube पेमेंट आती है और फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है। वो मेरी फर्स्ट पेमेंट जिस दिन आई थी, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ कि एक घंटे पे, मतलब उस दिन ना मैं उसकी खुशी मना पा रही थी और ना ही मैं उसका कुछ गम बना पा रही थी। मतलब खुशी तो मैं मना ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैं गम में डूबी हुई थी। मतलब हम लोगों की उस दिन आई थी, मेरे बैंक अकाउंट में डिटेल आया था, फर्स्ट पेमेंट क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट, मतलब जितना भी अमाउंट था क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट, जब मैसेज आया था वो मैसेज देख के मुझे खुशी हुई क्योंकि 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। यूट्यूब जर्नी के बारे में आपको अभी आगे बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल में, और कितनी पेमेंट आई, क्या आई, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी वो दिन जिस दिन मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, लास्ट मंथ ही आई है मेरी फर्स्ट पेमेंट, अप्रैल में आई है फर्स्ट पेमेंट। लेकिन क्या था ना, एक घंटे पहले मेरे पास मैसेज आया मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव का, कि व्हाट्सएप पे कि मैं पॉजिटिव हूँ, मनु पॉजिटिव है। हम लोग उसी बारे में सोच रहे थे, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल की बात है, हाँ 23 अप्रैल की, उसी के बारे में हम सोच रहे थे। लेकिन उसके एक घंटे बाद ही मेरे पास ये मैसेज आया कि आपके बैंक अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसी से खुशी जाहिर करूं कि नहीं करूं इसके बारे में। बस मैंने अपने भाई को इसके बारे में बताया था, मुझसे छोटा भाई है। जितना यूट्यूब पे मेरा वो मैं अपना देखती हूँ उतना ही 50% मेरा भाई भी देखता है। मतलब वो भी सारी सब कुछ हैंडल वो करता, वीडियोज़ वगैरह मैं बनाती हूँ लेकिन और भी डिटेल वगैरह वो रखता है। तो मैं और मेरा भाई ऐसे साथ में, उसको जब मैंने उसे बताया था क्योंकि उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे YouTube चैनल चलाने में और इतना आगे ले जाने में, तो उसको बस मैंने उससे शेयर किया था कि मेरी बैंक से मैसेज आया कि आपकी YouTube पेमेंट आ गई है। तो उसके बारे में मैंने मनु को बताया कि मनु मैसेज आया बैंक से कि YouTube पेमेंट आ गई है। तो हम लोग खुश, तो जाहिर सी बात है खुशी तो सभी को होती है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था, मतलब उस खुशी को हम आपको समझ सकते हैं कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव और एकदम से आ गया कि क्रेडिट, दोनों चीज़ें थी। और उसी दिन सेम डे आई थिंक 23rd या 24th अप्रैल को एक दिन बाद मेरे 50 के सब्सक्राइबर भी हो गए थे उसी टाइम। तो डबल खुशी थी, 50 के सब्सक्राइबर, 50 के यूट्यूब फैमिली की भी खुशी थी और यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट भी आई इसकी भी खुशी थी। लेकिन हम इस कंडीशन में नहीं थे कि खुशी ज़्यादा मना पाए, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी लास्ट मंथ। आप सब लोगों को पता है हम दोनों को कोविड हो गया था और एक महीने बाद हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एक महीने से हम कैसे, क्या था भाई वो, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी, बहुत मुश्किल से वो टाइम निकला है। तो फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी जर्नी बता देती हूँ अपनी यूट्यूब की, कि हमारी जिम्मे की क्या जर्नी थी, मैं क्यों यूट्यूब पर आई थी, क्या था। तो एक्चुअली था क्या कि आज 2019 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था 2019 में, लेकिन उस टाइम मैं वर्किंग थी, मैं जॉब करती थी। तो सिर्फ एक महीने मैंने वीडियोस डाली, वो भी कुकिंग की वीडियोस। उसके बाद मैंने नई चैनल कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो ऑफिस भी जाना होता था। फिर मैंने उससे मतलब कंटिन्यू नहीं रहा, फिर काफ़ी गैप हो गया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था, फिर मैं यहाँ आ गई गुजरात मनु के साथ। तो फिर यहाँ पे जैसी मैं जॉब सर्च करती उसने में ही लॉकडाउन लग गया था। मतलब जनवरी में मेरी शादी हुई, जनवरी 2020 में, और फिर फरवरी में मैं यहाँ आ गई थी और मार्च में लॉकडाउन लग गया जब तक मैं जॉब सर्च करती। फिर लॉकडाउन की वजह से फिर कोई भी कहीं निकल नहीं रहा था, तो मैं भी रुक गई थी फिर सर्च करना। तो मैंने सोचा लाओ कुछ अपना, मुझे पहले से यूट्यूब का शौक था, मैं वीडियोस देखती थी बहुत बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी बनाऊँ वीडियो, ब्लॉगिंग करूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, तो मेरे को नई नई रेसिपी बनाने का बहुत शौक था।
तो स्टार्ट किया मैंने अपना वीडियो, थोड़े बहुत डाले मैंने वीडियोस अपने चैनल पे, उसी चैनल को मैंने कंटिन्यू किया। आप आज आज भी मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, मेरी फर्स्ट वीडियो तो वो मटर पनीर की रेसिपी होगी जो मैं अपनी भाभी के घर गई थी, भैया भाभी के वहाँ बनाई थी, तो वो मैंने डाल दी थी। मैंने कहा मैं डाल के देखती हूँ, चैनल एक स्टार्ट करके देखती हूँ। तो उसके बाद चैनल में 1 साल का गैप आया, फिर मैंने कंटिन्यू किया। फिर 1 जुलाई से मैंने अपना चैनल फिर स्टार्ट किया। 1 जुलाई 2020 से मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया। एक एक दो दो दिन में मैं रेगुलर वीडियो डालती रही डालती रही डालती रही, रुकना नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे हो और नए क्रिएटर हो तो वीडियोस डालते रहिए, रुकना नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं रुक जाऊँ। मेरे भी व्यूज़ नहीं आते थे, मेरे भी 50, 60, 100 इतने ही व्यूज़ आते थे, तो मैं रुकी नहीं। मुझे व्यूज़ का उस वक्त कुछ नहीं था, सब्सक्राइबर भी मेरे कुछ 1000 भी नहीं हो रहे थे, 800, 700 कुछ थे। तो स्टार्टिंग में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, स्टार्टिंग के 5 महीने, 5 से 6 महीने मैं वीडियो डालती रही, मैं रुकी नहीं। मैं ब्लॉगिंग करती रही डालती रही डालती रही। फिर आफ्टर दिवाली दिसंबर में जाके मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आने लगे। फिर मैंने अपनी शादी की वेडिंग की वीडियोस डाली, फिर उसी हिसाब से नवंबर जनवरी फरवरी मार्च में मेरा चैनल अच्छे से ग्रो होने लगा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग मेरा चैनल देखते हैं उन सबको थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे पसंद करते हैं। तो जो भी मेरी अर्निंग, जो भी डॉलर वगैरह था, दिसंबर में चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था और उसके बाद अर्निंग धीमे धीमे स्टार्ट हुई, ज़्यादा नहीं बट हाँ स्टार्ट हो गई थी दिसंबर से। लेकिन ग्रो हो रहा, जिस हिसाब से ग्रो होगा आपका चैनल उस हिसाब से आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाती है। तो यही थी मेरी जर्नी। जर्नी के बारे में अगर और डिटेल में जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे मैंने वीडियोस पे मेरे व्यूज़ आने लगे, क्या किया मैंने ये सब। तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं आप सब नए क्रिएटर नए यूट्यूबर्स को ज़रूर हेल्प करूँगी और बताऊँगी भी उनको इसके बारे में। तो अलग से उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, लेकिन ये वाली वीडियो पेमेंट से रिलेटेड थी, फर्स्ट अर्निंग से रिलेटेड थी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फाइनली मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मेरी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी। अगर होगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। फर्स्ट पेमेंट डायरेक्ट तो मुझे भी नहीं पता बताते हैं कि नहीं, और तो मैं डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, इनडायरेक्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाँ, आप रेडमी नोट 8 फ़ोन ले सकते हैं, इतनी मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। तो वो फ़ोन कितने का है वो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो अराउंड उससे थोड़ी सी और ज़्यादा समझ लिए, तो उसी के अराउंड मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो आई थी, अप्रैल में आ चुकी है। एंड आई एम सो हैप्पी। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको खुशी तो मिलती है, लेकिन मैं उसकी खुशी ज़्यादा नहीं बना पाई ना, मैं 50K की खुशी बना पाई इतनी ज़्यादा। लेकिन 75K होने वाले हैं मेरे, और 75K का मैं ज़रूर छोटा सा एक केक सेलिब्रेशन ज़रूर करूँगी, छोटा सा केक ज़रूर काटूँगी आप लोगों के संग। और लाइव भी मैं बहुत जल्द, हो सकता है या मैं ये वीडियो शूट करने के बाद ही लाइव चली जाऊँ, लेकिन देखते हैं। मैं 75K पे ही लाइव आऊँगी मैं सोच रही हूँ। आप सब लोगों के लिए कमेंट भी आए थे, दीदी आप लाइव आइए लाइव आइए, तो पक्का श्योर मैं आगे लाइव आने वाली हूँ 75K। तो ये तो मेरी यूट्यूब अर्निंग के बारे में था। और अभी आप लोगों का भी क्वेश्चन आता है, मैं रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, रेगुलर ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी हम बस कोविड से रिकवर हो रहे हैं। अभी भी मेरे को बहुत वीकनेस वगैरह रहती है, थोड़ा बहुत पेन वगैरह भी रहता है पैरों में हाथों में, और आप देख सकते हैं मेरे आईज़ के नीचे भी। मैं काजल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे ये स्वेलिंग आ जाती है, तो मुझे लगता है कुछ इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना करे, तो मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ अभी काजल वगैरह। तो जल्दी मैं सब कुछ कंटिन्यू करेंगी, हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से शिफ्ट होने का, ये घर से एक बार शिफ्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो नए जगह पे जाएंगे, थोड़ा इस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे। फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं वीडियोस लाऊंगी, और कुकिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी। मैं बहुत सारी रेसिपी बनाना जानती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, अभी वीकनेस बहुत हो रखी है, जल्दी से सही हो जाऊँ। फिर आप लोगों के लिए सारी अच्छी अच्छी स्पेशल स्पेशल नेचुरल अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पेमेंट रिलेटेड मेरी फर्स्ट यूट्यूब इनकम, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सभी कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ और हार्ट भी देती हूँ, सबको लाइक करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।